प्लानिंग फॉर अ वीकेंड ट्रिप, तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, आई थिंक आपको बहुत काम आएगा। शिलीगुड़ी से लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस में ये ऑफबीट पहाड़ी डेस्टिनेशन आते हैं। ओहलदरा जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं जो आपको गूगल मैप में मिल जाएगा, लेकिन मिरिक होके जाने वाला रास्ता ही सबसे अच्छा है। मिरिक पहुंच के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता सीधा सीटोंग होके ओहलदरा जाता है। है तो एक ऑफबीट प्लेस, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ का टेगोर हिल, जिसके लिए लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। ये पहाड़ का स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखोगे तो बिल्कुल रविंद्रनाथ की तरह ही लगेगा। एक रात स्टे करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेपचा जगत आजकल टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से काफी मशहूर है ये जगह। शिलीगुड़ी से लगभग 65 किलोमीटर डिस्टेंस में लेपचा जगत आता है। यहाँ पे होम स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं और घूमने के लिए 2-3 दिन काफी होता है। चारों ओर ग्रीनरी और पहाड़ की खूबसूरती आपको एक रिफ्रेशिंग फील देगा। इसे बढ़कर और क्या चाहिए वीकेंड ट्रिप में। यहाँ पे मशहूर जगहों में से है जोर पोखरी, शेनचाल लेक, टी गार्डन, टाइगर हिल एटसेट्रा। तो एक बार ये जगह जरूर घूम के देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। लेपचा जगत से सीटोंग का डिस्टेंस है ओनली 44 किलोमीटर। कुछ साल पहले भी ये सब जगहें ट्रैवलर्स के लिए उतना पॉपुलर नहीं था। रिसेंटली टूरिस्ट बढ़ रहा है और जगह भी स्टे करने के लिए डेवलप कर रहा है। अगर आप सिलीगुड़ी से स्ट्रेट सीटोंग आओगे तो लातपांचा रोड होके ही आइए, यहाँ से कम समय लगता है। एक डे ट्रिप प्लान करके यहाँ का साइट सींग स्पॉट लाइक दिलाराम, मोंगपो, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूम सकते हो। सीटोंग का ऑरेंज बहुत फेमस आते हैं। नॉट ओनली दैट, ये ऑरेंज से बाहर का बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स अट्रैक्ट होता है जो आप देख सकते हो, इसीलिए सीटोंग को बर्डिंग पैराडाइज भी बोलते हैं। शिलीगुड़ी से तागदा का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 72 किलोमीटर। ये प्लेस के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि तागदा का अभी फुल फ्लेज में डेवलपमेंट नहीं हुआ ट्रैवल स्पॉट के हिसाब से। लेपचा वर्ड तुगदा से तागदा का नाम आया है, जिसका मीनिंग है फॉग और मेस्ट। बहुत साल पहले ब्रिटिश कॉलोनियल डेज में तागदा को बनाया गया था एक मिलिटरी कंटोनमेंट जोन के लिए, इसीलिए यहाँ का पुराना होटल्स, चार्ज सभी यूरोपियन स्ट्रक्चर से बनाया गया। समटाइम्स यू फील दैट इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ एनी ब्रिटिश कंट्री, सो देर किस बात की, लेट्स प्लान फॉर दिस। लेबोंग वैली दार्जिलिंग शहर से एकदम पास है। एक्चुअली ये रेस कोर्स के लिए बहुत फेमस है। इसका रेस कोर्स दार्जिलिंग हिल से विजिबल होता है। यहाँ गोरखा स्टेडियम भी बहुत फेमस है। इसके अलावा गोलाई बाजार, लेबोंग क्रिकेट बाजार और लेबोंग वैली टूरिस्ट के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। और एक बात, लेबोंग वैली बहुत अच्छा टी प्लांटेशन भी करता है। तो देर किस बात की, आज ही जाने की प्लानिंग कीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।